मामला है ब्यावर जिले के एक सरकारी स्कूल का, जहां स्कूल में ही नमाज पढ़ने के आरोप में दो टीचरों पर कार्रवाई की गई है। एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि दूसरी टीचर पर कार्रवाई के लिए एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस को रिपोर्ट भेज दी गई। इन टीचर्स को पूर्व में पाबंद भी किया था कि आप इस तरह की गतिविधियां नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी गतिविधियां रुकी नहीं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों के बयान लिए गए, स्टाफ के बयान लिए गए, जनप्रतिनिधियों के बयान लिए गए, और उसके आधार पर यह सत्य पाया गया कि वास्तव में ये टीचर्स विद्यालय परिसर में विद्यालय समय में नमाज अदा करती भी थी और बच्चों को भी प्रेरित करती थी। स्कूल में उर्दू की पढ़ाई के लिए दोनों टीचर का तबादला किया गया था। बाद में उर्दू की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसके बाद दोनों टीचर्स को स्कूल में अन्य विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान दोनों टीचर्स न सिर्फ स्कूल में नमाज अदा करती थी, बल्कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी नमाज पढ़ने के लिए उकसाती थी। कई बार स्कूल प्रशासन ने भी हिदायत भी दी, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और गांव वालों ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की। शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई और जांच में आरोप सच पाए जाने के बाद कार्रवाई हुई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.